हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, अभी हम हैं जयपुर में। लास्ट व्लॉग में दिखा होगा, हम जयपुर आए हुए हैं और नहा धो के रेडी हो गए। थोड़ा लेट हो गया लेकिन बिकॉज मैं तो सुबह 4 बजे सोया था एडिट करके, तो थोड़ा आराम से उठे हम, आराम से 9 बजे। तो हाँ, चलो फिलहाल मैं तो हो गया नहा धो के रेडी, और सामने का भी दिखाता हूँ। सामने पूरा जयपुर दिख रहा है यहाँ से, मस्त। तो देखो, यहाँ से दिख रहा है पूरा जयपुर, कितना मस्त व्यू आ रहा है सामने जयपुर। तो चलो आज चलते हैं फिलहाल भानगढ़ किला, आज हॉन्टेड प्लेस पे चलते हैं। वैसे यूजली मैं अपने व्लॉग में बोलता ही नहीं हूँ भूत, हॉन्टेड प्लेसेस, इस तरह की चीज़ें, लेकिन आज जाएंगे बिकॉज वो मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है इंडिया का। तो चलो देखते हैं जाके कैसा लगता है वहाँ, कैसी एनर्जी आती है, कैसा फील होता है वहाँ जाके, हमको भी डर लगता है या नहीं लगता। तो पहुंच चुके हैं भूतों की नगरी भानगढ़। ये है भानगढ़ किला। तो यहाँ से लेनी है टिकट, एक फोटो। हमको जाना ऊपर, वहाँ पे किला, बहुत लोग घूमने आ रहे हैं जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, काफी भीड़ है यहाँ पे। ये बेसिकली पूरा एक शहर है देखो यहाँ पे, जो कि पूरा खत्म हो चुका है। ये देखो, ये नहीं टूटा अभी तक, कैसा होता था पहले जमाने में। तो ये है मेन गेट राजा के महल में जाने का, तो यहाँ से राजा का एरिया स्टार्ट होता है। चलो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर पिलाया जा रहा है पानी सबको। ये सामने दिख रहा है ना, ये है मेन किला। तो पहले हम जा रहे हैं मंदिर। वाला काम है भाई, ये देखना, सिर्फ इतने से पार्ट को करने में कितना टाइम लगा होगा पता है, बहुत बहुत ज्यादा। और देखो पूरे मंदिर पे काम कर रखा है। दीदी देखो, मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ तो मुझे ये डिटेलिंग वाली चीजें ना बहुत पसंद आती है इस तरह की। चलते हैं मेन किले में, और यहाँ पे ड्रोन अलाउड नहीं है इसलिए मैं ड्रोन नहीं लेके आया, ड्रोन नहीं उड़ा सकते यहाँ पे। किला भी टूटा पड़ा है देखना, सारे पार्ट्स पड़े हैं किले के। वहां से वॉक करते 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 वहां से यहाँ आए भाई। यहाँ से देखो सामने का पूरा एरिया दिख रहा है, अगर कोई अटैक करेगा तो चल जाएगा पता। तो यहाँ पे हमको सब्सक्राइबर भी मिले हमारे, साहिल भी पी रहे। ये तो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कोई डरावनी जगह होगी, डर लगेगा वहाँ पे जाके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो बहुत सुंदर और मतलब अच्छा सा लग रहा है मुझे, मंदिर भी है पीछे, किला भी है, गार्डन भी है, और आपने दिखाया, मैंने शहर दिखाया आपको, तो मतलब अच्छा लगा। इमेजिन करो 500 साल पहले यहाँ पे कैसा होता होगा, मतलब यहाँ पे सारे घर होते होंगे, यहाँ सारे लोग रहते होंगे, यहाँ पे कितना मस्त लगता होगा ना अगर अभी दोबारा वैसी हो जाए तो। लग रहा है ना ये कि भूतिया वूतिया मेरे माइंड में कुछ आई नहीं, मैं भूल गया कि मैं किसी हॉन्टेड प्लेस पे हूँ, वो भी इंडिया के, एशिया के सबसे बड़े हॉन्टेड प्लेस पे हूँ, मेरे लग ही नहीं रहा ऐसा कुछ, वो माइंड में मेरे आ ही नहीं रहा। या फिर हम भी भूतिया लोग हैं। हाँ, हम भूतिया लोग हो सकते हैं। गाड़ी हमारी वहाँ पे खड़ी है वहाँ पे, लेकिन वर्थ है यहाँ पे आना, मतलब लाइफ में एक बार तो जरूर आना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब बहुत बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह है। गाइस इमेजिन करो 500 साल पहले यहाँ पे कैसा होता होगा, मतलब यहाँ पे सारे घर होते होंगे, यहाँ सारे लोग रहते होंगे, यहाँ पे कितना मस्त लगता होगा ना अगर अभी दोबारा वैसी हो जाए तो, दोबारा वैसी हो जाए तो। यहाँ से 15 रानियां दिखती होंगी नीचे। तो अब जा रहे हैं गाइस वापस गाड़ी तक। गाइस करने को तो मैं वो सब कर सकता था कि भूत दिख रहा है यहाँ पे मुझे अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है, वैसे लग रहा है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं तो मैं क्यों दिखाऊं भाई। मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा, मैं कहूंगा आओ भाई, मजा आएगा आपको। तो गाइस फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। इस व्लॉग में आपने देखा भानगढ़ का किला, मोस्ट हॉन्टेड प्लेस ऑफ इंडिया और एशिया। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर किया, मुझे तो काफी अच्छा लगा। तो हाँ, अब तो वो आप देखना नेक्स्ट व्लॉग में। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग, बाय।